लॉ ऑफ स्टार्ट करो बैठे अंडरस्टैंड ट्रिगोनोमेट्री ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री जो है दो लैटिन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड कौन कौन लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म फ्रॉम टू लैटिन वर्ड ट्रैगोनॉम प्लस मैट्रॉन ठीक है। ट्रैगोनॉम प्लस मैट्रॉन ट्रैगोनॉम मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बाबू ट्रायंगल और मैट्रॉन का मतलब क्या होता है मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट मैट्रॉन का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन ट्रिगोनोमेट्री का लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या फिर समझ लीजिए हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया है हमने क्या कहा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म फ्रॉम टू लैटिन वर्ड ट्रैगोनॉम प्लस मैट्रॉन ट्रैगोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। राइट सो मेजर बच्चों दिख रहा है आपको लिख रहे हैं आपको दिख रहा है पूरी दिख रहा है लिखिए लिखिए तो पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कीजिए ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड ट्रायगोनॉम प्लस मैट्रॉन ट्रायगोनॉम इज ट्रायंगल मैट्रॉन इज मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल अंडरस्टैंड हैव यू रिटेन ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री फॉर फ्रॉम टू लैटिन वर्ड ट्रिगोनॉम प्लस मैट्रॉन ट्रिगोनॉम मींस ट्रायंगल मैट्रॉन मींस मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल अंडरस्टैंड। बताओ ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच
मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर मेजरमेंट, मैंने क्या लिखा है समझिए, ये ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा डेफिनेशन है। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर मेजरमेंट, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर मेजरमेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए हमने क्या किया, ये ए, ये बी, ये सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन एंगल लिया हमने। एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है तो पहला डेफिनेशन लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा देखिए, एंगल ए के सामने वाले साइड्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड्स को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले साइड्स को स्मॉल सी, ठीक है। तो नंबर टू में क्या लिखेंगे आप, एंगल ए यह BC, small a, एंगल B, यह AC, small b, एंगल C, यह एंगल C के सामने क्या क्या होगा, AB, AB इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे small c, समझ में आ रही बात। एंगल A के सामने वाला साइड क्या होगा, एंगल A के सामने वाला साइड BC होगा, ये देखिए A के सामने BC है, इसको हम small a से सूचित करते हैं जो एंगल A के सामने है, ठीक है। एंगल B क्या है, AC, small b से, एंगल सी के सामने AC, AB है, small c से, ठीक है। दो प्रॉपर्टी लीजिए, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b ग्रेटर देन c, b प्लस c ग्रेटर देन a, ये c है, और तीसरा क्या, c प्लस a ग्रेटर देन b, ये तीनों प्रॉपर्टी आप लिखिए, ये पूरा लिखो, तो अच्छा ये पूरा लिखो, ट्रिगोनोमेट्री का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर मेजरमेंट। हमने एंगल लिया ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप लोग जानते हैं पहले से, एंगल ए के सामने बी सी स्मॉल ए, एंगल बी के सामने ए बी ए सी स्मॉल बी, एंगल सी के सामने ए बी स्मॉल सी, इसी नोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल साइड
टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स टू फाइनल साइन विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट देयर 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 ऑरिजिनेट ए रोटेशन बिटवीन देम बिटवीन देम दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंगल इसी रोटेशन हम लोग क्या करते हैं एंगल कहते हैं एक बार हम फिर से बोल देते हैं क्या इनिशियल साइड यह है इनिशियल साइड टर्मिनेट्स टू फाइनल साइड इनिशियल साइड टर्मिनेट्स टू फाइनल साइड पर जो जाता है तो हां साइड विच रिस्पेक्ट टू अ कॉमन पॉइंट ये कॉमन पॉइंट ओ है रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट ओ ठीक है देयर देयर ओरिजिनेट ए रोटेशन उसमें क्या करेंगे होता है रोटेशन ये रोटेशन है देयर देयर ओरिजिनेट ए रोटेशन बिटवीन देम ए रोटेशन बिटवीन देम दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंगल इसी रोटेशन को एंगल कहते हैं बात समझ आ रही है यू हैव टू साइड्स हैव टू साइड्स मीट एट ए पॉइंट देन देयर ओरिजिनेट ए रोटेशन और द एंगल द मेजरमेंट ऑफ दैट रोटेशन आर कॉल्ड एंगल अदरवाइज वी सी दैट व्हेन इनिशियल साइड टर्न्स टू फाइनल साइड देन देयर ओरिजिनेट ए रोटेशन एंड दैट रोटेशन आर कॉल्ड एंगल उसी रोटेशन हम लोग क्या कहते हैं एंगल कहते हैं ठीक है रोटेशन क्या कहलाता है एंगल कहलाता है बच्चों इसलिए अच्छे से समझ लो एंगल क्या है व्हेन वन साइड टर्न्स टू अदर साइड एंगल में क्या है यह समझिए वन साइड क्या हुआ ये दूसरा साइड था इसको ए भी मान लीजिए इसको सी भी मान लीजिए व्हेन टू साइड इंटरसेक्ट ईच अदर दो साइड अगर इंटरसेक्ट करता मान लीजिए ओ पर इंटरसेक्ट किया यहां पे इंक्लिनेशन कम होता यहां पे इंक्लिनेशन ये इंक्लिनेशन इसी इंक्लिनेशन को हम क्या कहते हैं ये इंक्लिनेशन हुआ ये इंक्लिनेशन है यही क्या कहलाता है यही एंगल कहलाता है ठीक है या आप ऐसे समझिए ये देखिए ये ओ है या पी है और ये क्या है क्यू है दो साइड एक दूसरे पर कहीं मिला जहां मिलता है जहां मीटिंग पॉइंट होता है वहां क्या होता है इंक्लिनेशन होता है और यही इंक्लिनेशन क्या होता है यही होता है एंगल ये क्या होता है एंगल होता है ये वन साइड ठीक है ये अनदर साइड ये कोई दूसरा साइड है समझ में आ रही बात फिर देखिए फर्स्ट साइड ये वन साइड और ये क्या है अनदर साइड ठीक है दो साइड जहां एक दूसरे को कट करेगा या मीट करेगा वहां पर क्या होगा एक इंक्लिनेशन कवर होगा समझ गए क्या होगा एक इंक्लिनेशन होगा और उसी इंक्लिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे एंगल कहेंगे बच्चों लिखते हैं व्हेन टू साइड्स व्हेन टू साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर और meet each other at a point then their originate an inclination originate an inclination एक inclination का निर्माण होता है The measurement of that inclination
एंगल या हैव टू साइड्स, साइड ए भी साइड सी भी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी, हाँ क्या लिखा हमने, वेन टू साइड्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट ईच अदर एट ए पॉइंट, टू साइड्स इनिशियल तक फर्स्ट साइड अदर साइड यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और मीट कर रहा है, दोनों फिगर बना लीजिएगा तो वहां एक इंक्लिनेशन कम होता है, क्या कम होता है, इंक्लिनेशन। इसी को मेजरमेंट हम लोग क्या बताते हैं, एंगल कहते हैं। अगर ये थीटा ये भी थीटा, ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस थीटा पैरेलल, देखो बच्चों, वेन टू साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो साइड अगर दो साइड इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वहां क्या होने जो होगा, यानी इंक्लिनेशन, मेजरमेंट ऑफ द इंक्लिनेशन आर कॉल्ड एंगल। ये देखो O, ये P, ये Q, ठीक है, और ऐसे भी पास है, ये एरो का साइन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लिखा तो लिखेंगे नीचे में एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन पॉजिटिव, क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। इसे अगर आप ऐसे है, ये है, ये मान लीजिए थीटा है 30 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू प्लस 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा ना, क्या लिखेंगे हम, एंगल ए ओ बी इक्वल टू प्लस 30 डिग्री, इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज अगर लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पर ये लिख लीजिए, फिर क्लॉकवाइज के बारे में बताता हूं, लिख लो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल आर टेकन पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन पॉजिटिव, प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, ए ओ एंगल ए ओ बी इक्वल टू प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री। यह है क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज टेकन नेगेटिव, क्या रहेगा, नेगेटिव भी आएगा। अगर मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये अगर ऐसे है थीटा 60, आप क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, या एंगल ए ओ बी जो क्लॉकवाइज है इसलिए क्या हो गया, माइनस 60 डिग्री होगा, एंगल ए ओ बी क्लॉकवाइज है इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू माइनस 60 डिग्री। एंगल ए ओ इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, आई
इंट्रोड्यूस ओनली ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल, अंडरस्टैंड। तो एंगल क्या है, एंगल का मेजरमेंट क्या है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, इसके बारे में आपको चर्चा किया। एंगल का क्या डिफरेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या डिफरेंशियल है, उसके बारे में बताया। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है, अगले क्लास से हम लोग और भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।